और भाई लोग क्या हाल है। सो गाइज आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ आर्म्स को, जिसमें कि 4 से 5 वर्कआउट बाइसेप का और 4 से 5 वर्कआउट मैं ट्राइसेप का करने वाला हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरी जो कंडीशन है ना फिजिक की, वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है पहले से कंपेरेटिवली। जैसे साइड पोर्शन पे फैट था वो बहुत हद तक जा चुका है। बट एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि ये नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट की अगर बात करूँ तो, और उसके साथ साथ डाइट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा बॉडी में डाल नहीं रहे, हॉर्मोन्स के साथ नहीं खेल रहे कि रातों रात एकदम एब्स आ जाएंगे, रिब एब्स। देखो दोनों में बहुत फर्क है, मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ। कभी भी स्टीरॉइड से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो उसमें जो बॉडी की खूबसूरती है, कहने का मतलब जो एक नेचुरल लुक होता है, वो नहीं आ पाता। वो क्या होता है ना कि आपने ज़बरदस्ती का पूरा पानी निकाल दिया बॉडी से, रिब्ड एब्स तो दिख रहे हैं बट एक डिटेलिंग के साथ। तो मैं जो बिल्ड करने वाला हूँ वो एक बहुत ही, मतलब आप देखना, आप खुद ही अप्रिशिएट करोगे। और आज वीडियो के एंड में मैं फिर से बेयर बॉडी कंडीशन दिखाने वाला हूँ आपको कि पहले से भी कितना इंप्रूव हो गया है। आज जो मैं आर्म्स की एक्सरसाइज करने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया बाइसेप और ट्राइसेप, ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर अडेप्ट कर सकते हैं, इसको बिगनर भी कर सकते हैं। बट बिगनर को क्या है कि इंटेंसिटी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको पता है मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं थोड़ा सा जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है ना उसको ऊपर लेके जाऊंगा आज। सो वीडियो में बने रहना, बहुत अमेजिंग वर्कआउट्स आज करूंगा, और इसको आप भी फॉलो करना और देखना कितना ऑसम रिजल्ट आता है। चलो मिलते हैं वर्कआउट में। We'll be right back.